Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanusha Takwal and welcome back to my channel. So guys, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ओवुलेशन के बाद इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको ऐसी तीन चीज़ें क्या करनी चाहिए जिससे आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होगा और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो पाएगी. क्योंकि गाइज देखिए ओवुलेशन का क्या है, ओवुलेशन के टाइम फीमेल की ओवरी से एग रिलीज होता है जो हर कोई फीमेल का हो जाता है, किसी का लेट होता है, किसी का टाइम पे होता है. बट ओवुलेशन का पता लगाना थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि ओवुलेशन के सिम्टम्स फीमेल की बॉडी में देखे जाते हैं, ओवुलेशन किट आती है. बट इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल कैसे बनाया जाए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है गाइज. क्योंकि इम्प्लांटेशन जब तक सक्सेसफुल नहीं होगा तो फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती. अगर आपका स्पर्म एंड एग मिल गए हैं, यानी स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज कर दिया है, तो उसके बाद की प्रोसेस होती है इम्प्लांटेशन की. जब एम्ब्रियो सक्सेसफुली इम्प्लांट होता है यूट्रस में, तब जाके फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव होती है. तो सिर्फ अगर एग एंड स्पर्म मिल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई. उसका आगे का भी प्रोसेस होता है, उसके लिए कम से कम ओवुलेशन के बाद 6 से लेकर 12 दिन का टाइम लगता है एम्ब्रियो को यूट्रस में इम्प्लांट होने में, तब जाके फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव होती है. तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका इम्प्लांटेशन अनसक्सेसफुल ना हो. बिकॉज कई बार क्या होता है, फीमेल का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है बट इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती. तो इस कंडीशन में अपने इम्प्लांटेशन के सक्सेसफुल होने के चांसेस को बढ़ाने के लिए आज के वीडियो में मैं तीन चीज़ें आपको बताने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा ईजी है फॉलो करना. बट आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, ओवुलेशन के बाद फॉलो करनी है, जिससे आपका इम्प्लांटेशन 101% सक्सेसफुल होगा और आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगे नेचुरल तरीके से. तो गाइज आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ, जो भी फीमेल्स प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रही हैं या ना अपने इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाना चाहती है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए. अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए. अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही मेरे वीडियोज़ के अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके. सो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ प्रेगनेंसी कंसीव करने का क्या प्रोसेस होता है, देन मैं आपको बताऊँगी इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको क्या तीन नेचुरल तरीके अपनाने हैं जिससे आसान तरीके से आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी. बट उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है प्रेगनेंसी की क्या प्रोसेस होती है, क्यों इम्प्लांटेशन इतना ज़रूरी है, इम्प्लांटेशन कैसे होता है और कैसे आप उसे सक्सेसफुल बना सकते हैं. तो देखिए गाइस, होता क्या है, पूरे महीने में फीमेल के पास, यानी पूरी पीरियड साइकिल में, जो भी आपकी पीरियड साइकिल है उसमें फ़ीमेल के पास कुछ ही ऐसा टाइम होता है जब फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, जिसे हम फर्टाइल डेज बोलते हैं, फर्टाइल विंडो बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं. ओवुलेशन के दौरान फीमेल की एक ओवरी से हर महीने एग रिलीज होता है. फीमेल के पास दो ओवरी होती हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में, तो हर महीने एक ओवरी एग रिलीज करती है. एग रिलीज करने के बाद फीमेल का जो एग है वो फैलोपियन ट्यूब में 24 घंटे के लिए इंतज़ार करता है. ये फीमेल के लिए बेस्ट टाइम माना जाता है क्योंकि जब तक एग रिलीज नहीं होगा तो फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती. जब एग रिलीज होगा तभी जाके स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा और तभी जाके फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है. बट गाइस देखिए, जो एगी की लाइफ होती है वो 24 घंटे की होती है, बट पूरी पीरियड साइकिल में फीमेल के पास 6 दिन का टाइम होता है. 6 दिन का इसलिए होता है क्योंकि जो स्पर्म की लाइफ होती है वो टोटल 5 दिन की होती है. इसीलिए पूरी पीरियड साइकिल में फीमेल के पास टोटल 6 दिन का टाइम होता है जिसमें फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है. तो इस टाइम आपको रिलेशन में रहना चाहिए जिससे आपका फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होगा. अभी फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ. देखिए गाइस, फर्टिलाइजेशन का मतलब है जब स्पर्म एंड एग सक्सेसफुली मिल जाते हैं, एंड ये कुछ ही मिनटों का काम है गाइस. स्पर्म को फेलोपियन ट्यूब तक पहुँचने में लाइक कुछ ही मिनटों का टाइम लगता है, 20, 30, 40, 45 मिनट का ही टाइम लगता है. बट जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो 24 घंटे की होती है, यानी स्पर्म सेल एग सेल को जो फर्टिलाइज करते हैं तो उसको 24 घंटे का टाइम लगता है. और जब सक्सेसफुली एग फर्टिलाइज हो जाता है तो यहीं पे जो मदर का बेबी है उसका जेंडर भी डिसाइड हो जाता है. अगर एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तो गर्ल होती है, अगर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम मिलते हैं तो बॉय होता है. अब इसके बाद की प्रोसेस होती है इम्प्लांटेशन की, यानी अगर स्पर्म सेल ने एग सेल को सक्सेसफुली फर्टिलाइज कर दिया है, एग सेल अगर सक्सेसफुली फर्टिलाइज हो गया है,
तो देन उसके बाद वो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो बन जाता है जाइगोट और वो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाता है और उसी उसी को ट्रैवल करना पड़ता है फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक. तो वही सेल्स ट्रैवल करते हैं यूट्रस तक और वो वहाँ पे जाके बनता है ब्लास्टोसिस्ट. एंड ब्लास्टोसिस्ट ही फीमेल की यूट्रन लाइनिंग में इम्प्लांट होता है. तो जो ये प्रोसेस है ओवुलेशन से इम्प्लांटेशन तक की, इसको लगता है लाइक 6 से लेके 12 दिन का टाइम. एंड डिपेंड करता है कि आपका ओवुलेशन कब हुआ है, उसके अकॉर्डिंग 6 से लेके 12 दिन का टाइम मैक्सिमम लगता है इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल होने में. यानी 6 से लेके 12 दिन के बीच में आपको ऐसा क्या काम करना चाहिए जिससे आपका इम्प्लांटेशन बिल्कुल भी अनसक्सेसफुल ना हो, 101% आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो. तो गाइज इसमें कुछ ज़्यादा काम आपको नहीं करना है, जो मैं आपको बता रही हूँ ये 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है. इन 3 चीज़ों को फॉलो करने से क्या होता है वो भी मैं आपको समझा दूंगी, तभी जाके आपको समझ आएगा कि किस तरीके से ये इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करता है और किस तरीके से फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव हो पाती है. सो गाइज देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ओवुलेशन से पहले जो टिप्स आप फॉलो करें या योगा करें या एक्सरसाइज करें, ये ज़रूरी नहीं है कि ओवुलेशन के बाद भी वही टिप्स आपको फॉलो करनी है. ये ज़रूरी नहीं होता है, यहाँ पे आप मिस्टेक कर देंगे अगर ओवुलेशन के बाद भी वही टिप्स फॉलो कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए. इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ओवुलेशन से इम्प्लांटेशन तक का फेज़. तो इस फेज़ में सबसे पहले आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है गाइस. ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से ये आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है, फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस करता है. अगर आपका नर्वस सिस्टम काम रहेगा तो हार्मोन ठीक तरीके से काम करेंगे, क्योंकि फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंक्रीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाएगा तो फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती, फीमेल का इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होने के बाद. इसीलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए और हार्मोन को बैलेंस करने के लिए. तो गाइस ब्रीदिंग एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको करना है अलोम विलोम एंड भ्रमरी प्राणायाम. ये 2 ऐसे प्राणायाम हैं गाइस जो हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम को भी रिड्यूस करते हैं नेचुरल तरीके से. तो ओवुलेशन से पहले भी आप ये प्राणायाम करिए एंड ओवुलेशन के बाद तो ये प्राणायाम आपको करने ही करने हैं अगर आपको अपने इम्प्लांटेशन को नेचुरल तरीके से सक्सेसफुल बनाना है. इसके साथ जो 3रा काम करना है वो करना है वॉक. वॉक करना इसलिए ज़रूरी है गाइस क्योंकि वॉक करने से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, इंक्रीज होता है. एंड जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ पे भी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, इंक्रीज होता है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए. जिससे क्या होगा, अगर आपका ब्लड फ्लो अच्छा हो रहा होगा बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में तो फीमेल की यूट्रन लाइनिंग ठीक रहेगी, क्योंकि यूट्रन लाइनिंग में ही एम्ब्रियो अटैच होता है. अगर यूट्रन लाइनिंग ठीक रहेगी तो फीमेल का इम्प्लांटेशन भी सक्सेसफुल हो पाएगा और फीमेल 9 महीने की हेल्दी प्रेगनेंसी को भी सस्टेन कर पाएगी. तो ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर करनी है, इन बात का ध्यान रखना है. एंड गाइस इसके साथ क्या चीज़ें आपको नहीं खानी है ओवुलेशन के बाद इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल करने के लिए, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो देखिए और इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए एंड अपने इम्प्लांटेशन को नेचुरल तरीके से सक्सेसफुल बनाएं. एंड गाइस यही आज का वीडियो, होप करती हूँ इस वीडियो से हेल्प मिलेगी आपको. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.